नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु प्रेमी वेटनेरियन में। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हम नहीं कर रहे हैं, ये पशु चिकित्सक की मदद से जिसको प्रोबैंग ट्यूब बोल देते हैं वो हमने इसके मुंह में पास की हुई है। क्योंकि जो ये पशु है, ये जो कटिया है, इसने 20 दिन से गोबर नहीं किया है, ना ही कुछ खा पी रही है और अभी बिल्कुल एंड पोजीशन पे आ चुकी थी। तो अभी डॉक्टर से सलाह लेके हमने ये ओनर से भी पूछा कि आपका जो पशु है वो खतरे में है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इसके जो एक छोटा सा प्रोसीजर है ये कर सकते हैं। तो ओनर ने भी बेझिझक बोला कि सर ये बिल्कुल ख़तरे में है, अगर आपको जिस तरह भी उचित लगता है, अगर इसकी जान बच जाए तो आप उसी तरह से कर सकते हो। तो हमने एक छोटा सा प्रोसीजर किया है जो आप अभी इस चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हमने इसमें एक नलकी है जो उसके इसोफेगस से रूमन के अंदर पास की है, जिससे कि ये जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो दलिया वगैरह जो इसने खा रखा था, वो इस पाइप के द्वारा बाहर आ रहा है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस पशु के मुंह के अंदर से इस पाइप डाली गई है, जिससे से ये इंजेस्टा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ रहा है। तो ये बहुत ही उचित विधि मानी जाती है, बिल्कुल एंड पोजीशन पर अगर ये है कोई वेटनेरियन या हमारा साथी किसी पशु चिकित्सक की डॉक्टर की मदद से ये कर पाए तो शायद ही इस तरह के जो पशु हैं उनकी जान बच पाना संभव है, असंभव नहीं है। कई बार होता है कि हम ड्रिप वगैरह देते रहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते रहते हैं, रूमी केयर वगैरह या इम्पैक्टोन इम्पैक्योर बोवी लैक्स वगैरह देते रहते हैं, जिनसे कि बंदा नहीं खुल पाता। तो जो पशु एंड पोजीशन पर चला जाता है, मरने की हालत में चला जाता है, तो उसी स्थिति में, एंड वाली स्थिति में इस तरह के प्रोसीजर को अपनाया जाता है। और इसमें हमने देखा है कि जो पशु हैं 99% पशु हैं वो ये प्रोसेस करने के बाद लगभग बच ही जाते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि इस प्रोसीजर के बाद ये पशु बच पाए। इस प्रोसीजर को करने के बाद 2 या 3 दिन इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसमें हमने NS डेली 1 से 1.5 लीटर और मल्टीविटामिन इंजेक्शन ट्राइविवेट 5 ml डेली और इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 ml डेली और मिकोवेट एक्सेल भी हमने इसमें 5-5 ml रोज़ाना इस पशु को दिया है, साथ में एट्रोपिन सल्फेट 15-15 ml इंट्रामस्कुलर और 10-10 ml फेनिरामाइन मिलेट यानी एविल इसको 3 दिन तक देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ओनर से फीडबैक लेंगे कि इस पशु में क्या रिकवरी हुई है और किस तरह से पशु ठीक हो पाया भी है या नहीं ठीक हो पाया है। इन सभी की जानकारी मैं आपको एक दूसरी वीडियो के माध्यम से दूंगा और इसकी जो ठीक हुई या नहीं उसके बारे में आपको फुल जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।